तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस ऑल वेल। इस वीडियो में बॉलीवुड के कुछ न्यू अपडेट के बारे में हम बात करने वाले। जैसे अब सुशांत सिंह मर्डर मिस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा चीजें उठ के आया। अब एनसीबी ने ये तदंत करने वाले मर्डर को फोकस करके इसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी बताने वाला। एंड फारहान अख्तर इस बार एंग्री रिएक्ट किया अर्णब गोस्वामी के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, इसके पीछे भी क्या कॉन्ट्रोवर्सी हुआ वो भी छोटा सा एक्सप्लेन करके बताने वाला। एंड फाइनली बच्चा यादव को तो आप लोग जानते ही, कपिल शर्मा शो में रहते हैं, तो उसका एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, वो क्या है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ऐसी कुछ बॉलीवुड इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाले हैं। और जिन्होंने चैनल में पहली बार है तो एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त कहीं मत जाना, क्योंकि ऐसी पूरी इंडियन फिल्मी दुनिया की हर खबरें न्यू गॉसिप्स मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट फारहान अख्तर। दोस्तों आप लोग जानते हैं कितना अच्छा एक्टिंग करता है, एंड उन्होंने कुछ फिल्म डायरेक्ट भी किया है। तो इस बार फारहान अख्तर ने मीडिया के ऊपर गुस्सा निकाला। इसके पीछे भी एक रीजन है। कुछ दिनों से सुशांत सिंह राजपूत केस में पहले उसका गर्लफ्रेंड फ्रेंड का नाम उठ के आया था, और उसके बाद फारहान अख्तर का भी नाम आ रहा है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत का घर की जो कुक था वो फारहान अख्तर घर का भी कुक था। नहीं, कुछ मीडिया वालों ये खबर स्प्रेड कर रहा है। इनफैक्ट सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट की अर्णब गोस्वामी, उन्होंने उसका चैनल में ये चीज उठ के ले आया। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि सारा अली खान और फारहान अख्तर की घर का जो कुक था वही सुशांत सिंह राजपूत का भी घर का कुक था। तो जब से ये खबर उन्होंने बोला तब से थोड़ा गुस्सा हो गया, और उन्होंने ट्विटर में उसका रिएक्शन दिया कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे घर पे कभी भी केशव नाम की कोई कुक था ही नहीं। ये सोच के भी मुझे बुरा लग रहा है कि क्यों कुछ न्यूज वालों ऐसे झूठे खबर स्प्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अर्णब गोस्वामी के ऊपर भी रिएक्ट करते उन्होंने बताया कि कुछ न्यूज चैनल में कैमरा के सामने खड़ा होकर चिल चिल कर बात करने के बाद ऐसा प्रूव होता नहीं है कि जो भी बोल रहा है वो सही है। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि उन्होंने डायरेक्ट अर्णब गोस्वामी को ही ये सब चीजें बताया। लेट्स सी ये रिलेटेड और क्या क्या खबर आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ सीरियस खबर उठ के आया, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब सुशांत सिंह का मौत का खबर आया था तब 14 लोगों को शॉक हो गया था कि ये सच है या झूठ है। और जब से ये मिस्ट्री चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत फैंस यही बोल रहे हैं ये कोई सुसाइड केस है नहीं, ये मर्डर केस है। सुशांत सिंह फैन ये मान नहीं पा रहा था कि अचानक कोई बंदा क्यों सुसाइड करेगा। कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि ये प्री प्लान मर्डर है। इनफैक्ट कंगना रनौत भी इसके ऊपर आवाज पहले ही उठाया था। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में काफी चीजें उठ के आया। ड्रग्स माफिया, रिया चक्रवर्ती जेल में गया था। अब इसके पीछे भी रीजन है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत ने लिविंग रिलेशनशिप में था। तो रिया उसके स्टेटमेंट में ये बताया था कि उन्होंने 8 जून सुशांत सिंह के साथ झगड़ा करके वहां से निकल गया था। बट कुछ न्यूज पोर्टल के थ्रू खबर सामने आ रहा है कि विवेक आनंद गुप्ता नाम की एक बंदा ने एक बहुत ही सीरियस टॉपिक शेयर किया वो एनसीबी के साथ। उन्होंने एनसीबी को कहा कि लास्ट बार उन्होंने सुशांत सिंह और रिया को देखा था 12 जून। उन्होंने स्टेटमेंट ये भी बताया था कि वो देखने के बाद रिया के घर के पास सुशांत ड्रॉप कर दिया था। और ये चीज जब से सामने आया एनसीबी और भी शॉक हो गया, क्योंकि जिस दिन उसको ड्रॉप कर दिया था और उसके नेक्स्ट दिन ही सुशांत की मौत हुआ था। कुछ दिन पहले ये भी खबर सामने आया था कि सुशांत सिंह का केस लेके एनसीबी सीबीआई चार ही साइड से उन्होंने तदंत करने वाले। एंड राइट नाउ खबर आ रहा है कि एनसीबी के पास एंड सीबीआई के पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आया कि उन्होंने सुशांत सिंह केस को अब मर्डर के ऊपर बेस करके आगे चलेंगे। जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत मौत हुआ था उस दिन उसके घर पे कौन कौन आया उन लोगों के साथ भी पूछताछ करने वाले। दोस्तों ऐसा अगर होगा तो ये सुशांत सिंह केस अलग साइड जाने वाले। लेट्स सी और क्या क्या अपडेट आते, अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। इंडियन बिगेस्ट कॉमेडी शो द कपिल शर्मा की शो, वहाँ पे आप लोग जानते ही कि बच्चा यादव एक कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो रिसेंट एक वीडियो बहुत ही वायरल होने लगे कि उन्होंने एक सेगमेंट ओपन किया जहाँ पे इनवाइट था मनोज बाजपेयी एंड अनुभव सिन्हा, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने मिमिक्री किया अर्णब गोस्वामी का, और उसके बाद वो वीडियो बहुत ही वायरल होने लगे। वैसे कपिल शर्मा के शो में उन्होंने काफी टाइम से काम कर रहा है, वो एक बड़े कलाकार भी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो। लेकिन एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। पानी का ग्लास दो। ग्लास नहीं है सर, जग है। हाँ तो मुझे जग दो, जग दो मुझे, जग दो, जग दो, जग दो मुझे। तो दोस्तों कैसा लगा आज की ये सब बॉलीवुड न्यूज सुन के, जरूर बताना आपकी फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में। और चैनल में पहली बार है तो एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट, सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। बने रहना चैनल के साथ, देखते रहना फिल्मी गाइस। टेक केयर, बाय बाय।